रेडियम एक ग्लोइंग और हाईली रेडियोएक्टिव मेटल है जो अपनी डिस्कवरी से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट्स तक बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। रेडियम के टेक्निकल डिटेल्स के साथ उसके यूजेस को आज हम समझेंगे, जाने दुनिया 10 मिनट में। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? रेडियम को 1898 में फेमस साइंटिस्ट मारी क्यूरी और पियर क्यूरी ने डिस्कवर किया था, जब उन्होंने यूरेनियम और पिच ब्लेंड वगैरह को स्टडी किया। रेडियम ने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला दिया क्योंकि ये अपनी रेडियो एक्टिविटी के लिए फेमस हो गया उस टाइम। इसका नाम लैटिन वर्ड रेडियस से आया है, जिसका मतलब होता है रे, क्योंकि ये ग्लो करता है। अब आइए जानते हैं रेडियम के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88, पीरियोडिक टेबल पर इसका सिंबल है Ra, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 700 डिग्री सेल्सियस। अब आइए देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडियम। रेडियम का पहला और सबसे वेल नोन यूज रेडियोथेरेपी में हुआ करता था। अर्ली 20th सेंचुरी में रेडियम को कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स के पता चलने के बाद अब सेफर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तरफ हम मूव हो गए। एक टाइम पर रेडियम को ल्यूमिनस पेंट बनाने के लिए यूज किया जाता था, जिससे क्लॉक डायल्स, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स और वॉचेस ग्लो करते थे डार्क में। ये प्रैक्टिस लेटर डेंजरस प्रूव हुई और अब इसको धीरे धीरे डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। रेडियम को बेरिलियम के साथ न्यूट्रॉन सोर्सेज बनाने के लिए यूज किया जाता था, जो रिसर्च और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब इसकी जगह और सेफर सोर्सेज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। रेडियम का यूज मेडिकल रिसर्च के अर्ली डेज में काफी प्रोमिनेंट था। साइंटिस्ट इसको कैंसर ट्रीटमेंट के अलावा वेरियस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एक्सप्लोर करते थे, लेकिन अब इसका यूज थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये तो ही रेडियम की बात, पर और भी एलिमेंट्स है जिसका कुछ और कुछ रोचक इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते ही है, जिनके बारे में आप जान सकते हैं आपकी लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं इन वीडियोज में।